सदर विधायक रवि शर्मा अपने परिवार के साथ अभी अभी वोट डालकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या मुद्दा इस बार हावी रहे, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला अपना। देखिए, हम तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले लोग हैं, लेकिन जब आम जनमानस की बात करो, आम जनता भी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हों, राष्ट्र मजबूत हों, राष्ट्र विकसित भारत हो, बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जो प्रधानमंत्री जी ने छुए हैं। इसके पहले तो प्रधानमंत्री तो लोग बने, आज़ादी को 77 साल हो गए, लेकिन वो गरीब तक जो पहुंचना चाहिए था पहुंचता नहीं था, गरीब की चिंता होती नहीं थी, और प्रधानमंत्री स्वयं मुद्दे उठाते हों। एक तब तो जनता मांग करती है, आज गरीब को विश्वास हुआ है तब तो लोग मांग करने लगे ज़्यादा कि नहीं ये हो सकता है, ये हो जाएगा। तो आज लोगों का जनविश्वास है, वही जनविश्वास मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाला है। क्या लगता है इस बार वोटिंग के दिन गर्मी हावी नहीं हुई? ऐसे वोट रूप से आप देखिए ना कि इतनी प्रचंड गर्मी होने के बावजूद के पसीना रुक नहीं रहा, उसके बावजूद मतदान केंद्रों में लगी हुई लाइनें इस बात का प्रमाण है कि लोगों में उत्साह है, और लोग उत्साहित होकर के भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घरों से निकले हैं और मतदान में लगे हैं। रात में बिजली भी नहीं आई, इसके बाद भी लोग मतदान करने आए? नहीं, कल हमारे यहाँ पावर हाउस हसारी में एक बड़ा ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ, जिसके कारण से बिजली का बड़ा भारी संकट हुआ, लोग परेशान हुए, रात भर फोन आते रहे लोगों के, लेकिन सुबह से लोग मतदान के लिए निकले हैं। और जो छोटे मुद्दे स्थानीय मुद्दों की बात, अब लोग समस्या है प्रभावित करती है स्थानीय स्तर पर, लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तब वो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर में होने वाली सुख सुविधाएं, प्रदेश की कानून व्यवस्था, इन सबको देख करके मतदान करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक रवि शर्मा, जो वोट डालने पहुंचे, उनकी फैमिली भी यहाँ पर वोट डालने पहुंची है, उनसे हम बात करते हैं। उनकी धर्मपत्नी है, यहाँ पर वोट डालकर आई हैं, क्या क्या किन मुद्दों को लेकर आपने सुनीता जी वोट किया? गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। नमस्ते भैया, मैं राष्ट्र हित के उसमें वोट करने आई हूँ, और ये लोकतंत्र का पर्व है, और मैं लोकतंत्र के मंदिर में कमल का पुष्प चढ़ाने आई हूँ। उनकी पत्नी सुनीता शर्मा और उनके बेटे और उनकी बहू भी यहाँ पर वोट डालने पहुँची हैं, आप भी यहाँ पर भीषण गर्मी में वोट डालने पहुँची हैं, क्या लोगों से अपील करेंगे? अपील तो एक ही है कि घर से निकलिए, माना धूप बहुत तेज़ है पर धूप सबके लिए बहुत तेज़ है, तो घरों से निकलिए और अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर पूरे 5 साल के लिए फ्री हो जाइए। इनके बेटे भी यहाँ पर परन वोट डालने पहुँचे हैं, परन भीषण गर्मी में वोट डालने पहुँचे हैं, लोगों के लिए क्या अपील, कितना उत्साह है वोटरों के बीच? देखिए, वोटरों के बीच में तो बहुत उत्साह है, और ये हमें आज शाम तक पता भी चलेगा। मुझे लगता है कि जो लोगों को ये लग रहा था कि गर्मी के कारण से वोटिंग परसेंटेज गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको आदत पड़ ही चुकी है इन गर्मियों की, इस लू की, और भारी संख्या में लोकतांत्रिक पर्व को मनाने के लिए सभी बाहर आएंगे। ये रवि शर्मा जी का परिवार था, उनके बेटे बहू उनकी पत्नी यहाँ पर जिस तरह के भीषण गर्मी में वोट डालने निकल रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से आम जनता और वोटरों का भी उत्साह है, वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने निकले हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।